करोड़ों का लालच देकर एक बुजुर्ग दंपत्ति से 4 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। ये मामला मुंबई का है, जहां पुलिस का कहना है कि पीड़ित महिला को एक लड़की ने फोन पर पहले पूरे भरोसे में लिया और फिर बैंक डिटेल निकलवा कर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद एक्शन लिया जा रहा है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पीड़िता के मुताबिक फोन करने वाली लड़की ने उसे बताया था कि वो ईपीएफ विभाग से बोल रही है, फिर उसके पति का पैन कार्ड नंबर, रिटायरमेंट डेट समेत कंपनी का नाम बताकर भरोसे में ले लिया, जिसके बाद वो यकीन मान चुकी थी कि उसके पास करोड़ों रुपए आने वाले हैं। ऐसे में 11 करोड़ रुपए का लालच देकर 70 साल के एक दंपत्ति से 4 महीने के अंदर 4 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हो गई। आरोप है कि कॉल करने वाली लड़की ने उसे उस कंपनी का नाम भी बताया जिसमें उसके पति काम करते थे। भरोसे में लाने के लिए लड़की ने महिला को पैन कार्ड नंबर और रिटायरमेंट का पूरा विवरण भी दे दिया था। अब महिला उस लड़की पर पूरी तरह से विश्वास कर चुकी थी। विश्वास में लाने के बाद लड़की ने फोन पर महिला को बताया कि उसके पति की कंपनी ने निवेश के लिए भविष्य निधि में 4 लाख रुपए रखे थे, जो 20 साल बाद मैच्योर हो गए हैं और अब वो 11 करोड़ रुपए प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके बाद महिला ने उससे TDS, GST और आयकर के भुगतान के लिए पैसे ट्रांसफर करने को कहा। जब महिला ने उस लड़की को बैंक डिटेल दी तो कुछ ही देर में उनके खाते से 4 करोड़ रुपए साफ हो गए। ऐसे में धोखाधड़ी का पता चलने के बाद दंपत्ति ने मंगलवार को पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई और अब मामले की जांच की जा रही है।